मॉर्निंग गाइस, और हम लोग रुके हुए हैं होटल अमृतसर इंटरनेशनल इन में, और आज जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। कल रात को हम लोग चेक इन किए थे, लेट हो गया था क्योंकि अटारी बॉर्डर गए थे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है होटल के बाहर, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करके ऑटो ले लिया है क्योंकि अमृतसर की गलियाँ बहुत तंग हैं। 100 रुपये में हमें पूरा ऑटो मिला है, और नॉर्मली वैसे अगर आप सिंगल ऑटो में सवारी कर रहे हो तो 20 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं पर हेड। अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो बेस्ट यही है कि आप अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा दो। यहाँ पे पेड पार्किंग भी अवेलेबल है, नहीं तो होटल्स में जहाँ पे आपका स्टे है वहाँ आप उनकी पार्किंग में लगा सकते हो। अगर आपको पूरा अमृतसर घूमना है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ऑटो एक हायर कर लो, और उसमें आप एक या दो दिन आराम से घूम सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम ऑटो में बैठी हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक ऑटो, ये हमें ऑटो वाले ने यहाँ पे उतारा है, और यहाँ से सकरा सा रास्ता है जाने के लिए अंदर। ये है रास्ता, और हम लोग पहुंच गए अभी जलियांवाला बाग के ठीक सामने। ये रास्ता सीधे जलियांवाला बाग की तरफ जाता है। मैगडी भी बिल्कुल कॉमन से लिखा हुआ है। पूरी शॉप्स, रोड के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, कपड़े की, जूते की, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये है फेमस अमृतसर गुरुद्वारे के बाहर पराठे वाली गली, और अब हम लोग जा रहे हैं इस गली के अंदर। और ये है फेमस अमृतसरी कुलचा, सबके कुलचे आ गए हैं। यहाँ पे खाने में शुरू कर दिया। वाह तुषार, हेलो फ्रेंड्स, कुलचा खा लो। अरे तुषार के कुलचे, ये आ गई हमारी लस्सी, और ये जो कुलचे हैं ये भरे हुए हैं आलू और प्याज के अंदर। अमृतसर आए तो कुलचे और ये लस्सी जरूर ट्राई करें। और ये है जलियांवाला बाग की मेन एंट्री। ये पतली सी गली उसी ज़माने की है जो आज भी उसी तरह मौजूद है, और इसी से होके ब्रिटिश फौज जो थी वो अंदर आई थी, इसी पतले रास्ते से होके। तो ये आ गए हम लोग जलियांवाला बाग में। सो हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं जलियांवाला बाग में, और ये है जलियांवाला बाग। कर रहे हैं फोटोग्राफी गैलरी में। तो यहाँ गैलरी के अंदर पूरा शहीदों के बारे में दीवार में पूरा बनाया गया है और दिखाया गया है। के अंदर सारी हिस्टोरिकल बातें लिखी हुई हैं, पंजाब का इतिहास दिखाया हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को इसी जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों को ब्रिटिशों ने गोलियों से भून दिया था। यह है वो शहीदी कुआं जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। के चारों तरफ इसको प्रिजर्व करने के लिए कांच से और सारा कुछ कवर कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं उन दीवारों पे जहाँ पे आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं जो जनरल डायर ने चलाई थी हिंदुस्तानियों को मारने के लिए। ये हैं गोलियों के निशान, वाइट में मार किए हुए हैं। ये हैं सारे गोलियों के निशान जो
निहत्थे भारतीयों के ऊपर चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये सामने है कुआं जिसके अंदर लोग जान बचाने के लिए छुप रहे थे, और जिधर से हम एंट्री किए उधर से गोलियां चल रही थी, और ये सीधे इन दीवालों में घुसी हुई है। ये जो दीवाल दिख रही है इनमें वो गोलियां के लगी हुई है। और उस दिन ये पूरा पार्क मीटिंग के लिए भरा हुआ था। यहाँ से गुरुद्वारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, गुरुद्वारे के बाद लोग यहाँ जलियांवाला बाग में आए थे शांतिपूर्ण डिस्कशन करने के लिए। इस जलियांवाले बाग में आने का आज भी वही रास्ता है सकरा सा, जिस रास्ते से हम लोग होके आए हैं। और उस टाइम पे जब इतने बड़े ग्राउंड में प्रदर्शन हो रहा था, ब्रिटिशों ने उस रास्ते से ही एंट्री की और वहीं से गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। ये शिला रखी हुई है अमर जवान ज्योति। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा एक स्पॉट है जहाँ पे आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये वो गोलियों के निशान हैं जो आज भी मौजूद हैं। सेकंड स्पॉट है इस जलियांवाले बाग का जहाँ पे आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। जैसा हमने उस कॉर्नर पे देखा था, ये जो डायरेक्शन है ये ठीक गोली इस तरफ से चल रही थी, वो जो जिस जो एंट्री गेट है यहाँ का, और वो सामने इधर दीवालों में आके लगी है। और ये एक और स्पॉट है यहाँ पे जहाँ पे दीवार पे गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस बड़े से बाग को देख के अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना बड़ा जनसंहार हुआ होगा। आंकड़े कुछ भी कहें, पर जितने भी लोग थे यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाया था। सो एंट्री उसकी इस साइड से है, और हम लोग निकल रहे हैं बाहर यहाँ से एग्जिट गेट। ये एग्जिट गेट बाद में बनाया गया है, उस जमाने में ये गेट नहीं हुआ करता था। चलो चलो बाहर चलो। बाहर निकल आए हम लोग गलियों में। सामने हमारे गोल्डन टेंपल दिख रहा है जिसको हरमिंदर साहब भी बोलते हैं, और उसको जाने का ये रास्ता है। दोनों तरफ शॉप्स हैं, इस साइड में ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है शनि मंदिर है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं काउंटर जहां पे जूता रखते हैं। जूता घर, जूता डिपॉजिट कर दिया। बहुत ज़्यादा क्राउड है सैटरडे के दिन, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी। ये सामने जो बिल्डिंगें दिख रही हैं सारी शॉप्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये जो सामने स्टैचू है उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो है पार्किंग। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल वापस, शाम को फिर आएंगे रात का नज़ारा देखने के लिए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और ये है हमारे होटल का कमरा, हमने दो दिन के दो कमरे बुक किए थे जो 8000 के पड़े। और हम रात को वापस आए और रात की लाइटिंग बिल्कुल अलग है।
जो दिन में नज़ारा था और जो रात में है, दोनों टोटली डिफरेंट है। सेम ये वही लोकेशन है जो हमने दोपहर में रिकॉर्ड की थी और अभी शाम को। ऐसा लग रहा है जैसे शाम को भीड़ और भी बढ़ गई है। शॉप्स अभी भी खुली हुई हैं सारी, बट क्राउड कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। ये खंडा हो गया, ये तलवार हो गई, ये तलवार हो गई, चौड़ा ब्लेड ले लो गए उसको टेका बोल दो। ओके, और ये जो पतला है इसको कृपाण, ये कृपाण। तो अलग अलग ये सारे नेम है तलवार के। ये मटका कुल्फी अमृतसर। तुषार कैसा लगा? स्वाद है, अच्छी है, गर्मियों में ये मस्त है। शाम को भीड़ तो लग रहा है कि और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई रात में हरमिंदर साहब को देखना चाहता है और रात की लाइटिंग खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। अद्भुत नज़ारा रहता है रात को, सच में अद्भुत। काफ़ी देर गुरुद्वारे में बिताने के बाद अब टाइम हो चला है बाहर चलने का, और चल के करेंगे हम लोग डिनर और उसके बाद जाएंगे अपने होटल। बाहर ये हमें सरागढ़ी की लड़ाई से रिलेटेड गुरुद्वारा मिला, और अब हम जा रहे हैं भरावे दा ढाबा पे, जो इस रास्ते में कॉर्नर डेड एंड पे है। स्टेट जाके डेड एंड पे भरावे दा ढाबा है, जो कि वर्ल्ड फेमस ढाबा है, और आज का डिनर हम वहीं करने वाले हैं। और ऑन द वे काफ़ी सारी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, जिसमें से ये जो साइड में राइट हैंड साइड में दिख रही है, ये है पार्टीशन म्यूज़ियम की बिल्डिंग। बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें पार्टीशन से रिलेटेड काफ़ी सारी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है। ये शहीद मदन लाल ढींगरा का स्टैचू है, जो ढाबे के ठीक सामने लगा हुआ है, और इसके पीछे ही है ढाबा। और अब हम लोग इंटर कर रहे हैं भरावा दा ढाबा में। गेट पे ही भीड़ दिख रही है यहाँ पे। तो ढाबा रोटी आ जाओ, आ जाओ।